अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका टेस्ट आम पुलाव से बहुत ही डिफरेंट होता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाना और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए बनाते हैं मेरे अंदाज में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर एक वेसल में मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ। अब इसमें इस तरह से कटे हुए जूलियंस गाजर ऐड करेंगे हम 1 कप। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये इस तरह से हल्के से फ्राई हो जाए, अब इसमें हम 1 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे और इसे और कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे हम। गाजर को कैरामलाइज करना है हमें। अब इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर किशमिश ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून जितनी। इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 15 बादाम लिए हैं। इसे गर्म पानी में मैंने 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था और छिलके निकाल लिए थे और बीच में से कट कर लिया था। इसे भी हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो इन तीनों चीज़ों को अलग से पैन में फ्राई करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में फ्राई किया है जिसमें मुझे पुलाव बनाना है, ताकि इन सब के फ्लेवर्स इसमें पुलाव में आ जाए। अब इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 तेज़पत्ते, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के पीसेस और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम 30 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे हम कुछ देर के लिए। प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे हम कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है इस तरह से पीसेस में कटा हुआ। इसे वॉश करके स्ट्रेन कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। अब चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से मिलाते हुए फ्राई कर लेना है इसका कलर चेंज हो जाने तक। देखिए चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है कुछ देर फ्राई करने के बाद। अब इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें और इसे कुछ देर के लिए और फ्राई करेंगे हम। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने से ही पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। जितने ग्लास हम चावल लेंगे उसका डबल पानी लेंगे। मैंने 250 ग्राम के ग्लास से चावल लिए हैं, 4 ग्लास यानी 1 kg चावल है, तो हम यहाँ पर 8 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पानी के हिसाब से 1 टीस्पून नमक और ऐड कर लेंगे। आप एक बार बाद में ज़रूर चेक कर लें टेस्ट करके। अब इसे ढककर पकने देंगे हम 15 मिनट्स के लिए। कुछ देर बाद चेक करते हैं। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है ये। अब इसे एक बड़े से वेसल में मैं ट्रांसफर कर लूंगी। अब इसमें हमें चावल ऐड करना है। अब इसमें वॉश किए हुए कुछ देर भीगे हुए बासमती चावल ऐड कर रही हूँ मैं, 4 ग्लास यानी 1 kg।
अब हमने जो गाजर, किशमिश और बादाम फ्राई किए थे वो आधी क्वांटिटी में हम इसमें ऐड कर लेंगे ताकि पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए इन सब का भी। अब इसे मिला लेंगे हम और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे इसे ढककर 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम चेक करेंगे एक बार फिर। चलिए चेक करते हैं। देखिए पानी इसमें है थोड़ा सा अभी, इसे इसी तरह से हम 10 मिनट्स के लिए पका लेंगे। थोड़ा सा पानी रह जाएगा जब हम इसमें गाजर वगैरह ऐड करेंगे। कुछ देर बाद इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून, और जो फ्राई किए हुए गाजर, किशमिश और बादाम थे वो ऐड करेंगे इसके ऊपर। कुछ लोग गोश्त भूनते वक्त टमाटो पेस्ट ऐड करते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया है, ये मेरा वे है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब इसमें घी ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पुलाव में। अब इसे हम दम पर रखेंगे 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर और 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। देखिए माशाल्लाह ये अच्छी तरह से दम हो चुका है। देखिए दाने कितने अच्छे खिले खिले बने हैं चावल के। इसकी पुलाव की खासियत तो यही होती है कि इसमें जो गाजर और ऊपर से हमने जो घी, गरम मसाला और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ये पुलाव को और भी यमी बना देता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। अब इसे मिलाकर डिश आउट करती हूँ मैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी सिंपल सी अफ़गानी पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी है। जिन लोगों को बिरयानी वगैरह जैसी मसालेदार चीज़ें ना पसंद हो और हल्की फुल्की चीज़ें पसंद हो तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अफ़गानी पुलाव। स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। मेरे चैनल पर मटन मंदी, कब्सा वगैरह की भी रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।